नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। विजन अमरावती और स्मार्ट सिटी अमरावती बनने जा रही है। 100 में तो नाम आ गया है, अब 20 में नाम आता है या नहीं, इसके लिए प्रयास चालू है। 20 में आने के लिए निश्चित रूप से जनता को, सरकार को, प्रशासन को, नगर सेवकों को और यहाँ के जो चिंतन करने वाले व्यक्ति है, सभी की इस चीजों में जरूरत है। सभी ने अपने अपने सुझाव देने चाहिए और कुछ प्रयास कर लेने चाहिए कि भाई हमारा आखिर ये सब चीजों का कैसे प्रयास कर लेना चाहिए कि इन चीजों से हम कैसे बाहर आए और हम स्मार्ट सिटी में कैसे बने। हमारे साथ में आज अमरावती के जाने माने आर्किटेक्ट कोले साहब। कोले साहब, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत चर्चा आपके बारे में सुनी, विजन आपका देखा है, कई जगह आपके वास्तु देखे। एक कितनी भी बिगड़ी हुई चीज रहे, आप उसको सुंदर करके उसके सामने प्रस्तुत कर देते। तो अमरावती के बारे में भी हम ऐसी जो अमरावती का कारोबार बिगड़ा हुआ, लेकिन एक कहीं तो भी हमको एक स्मार्ट सिटी के लिए कुछ एक अतिरिक्त फंड और एक अतिरिक्त योजना हमारे पास में आने वाली है। आपको क्या लगता है स्मार्ट सिटी में क्या अमरावती शहर का कैसा रूप होना चाहिए? बेसिकली स्मार्ट सिटी मतलब अच्छे रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, वाटर सप्लाई, ये सुविधा सबको होना चाहिए। और सबसे मेन है जो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, जी जी जी, जो मतलब यहाँ से एडुकेटेड बच्चे, उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं, वो बाहर जा रहे, उनको यहाँ कुछ एम्प्लॉयमेंट का साधन मिलते, कोई बड़ी बड़ी कंपनी आईटी का सेक्टर का डेवलप होता है, तो यहाँ के बच्चे यहीं रहे तो यहाँ का ब्रेन ड्रेन नहीं होगा तो और डेवलपमेंट होगा। ये सब सारी चीज़ें कितने सालों में, क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे कि अभी यहाँ पे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट यहीं होना चाहिए, यानी उसके लिए इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, इंडस्ट्री लानी है तो उसके लिए एयरपोर्ट लाना पड़ेगा, एयरपोर्ट लाना तो शहर के रास्ते सुधारने पड़ेंगे, इन सारी चीजों के एक एक तो इन सबको तो बहुत समय लगेगा। अभी एक साल में यदि कुछ प्रयोग करना है तो महानगर पालिका ने क्या प्रयोग करना चाहिए, थोड़े से इस प्रयास में आगे बढ़े। अब इसका जो है, क्योंकि 5 साल का है, 5 साल का आपको धीरे धीरे, पहले साल में क्या, दूसरे साल में क्या, क्योंकि एक दिन में ही अभी हम बोलते हैं वहां का एम्प्लॉयमेंट यहाँ जाना चाहिए तो पॉसिबल है नहीं, ये लंबी प्रोसेस है। फिर भी प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, पहला क्या प्रयास होना चाहिए? पहला तो मैंने तो ट्रांसपोर्टेशन पे ही ख्याल देना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब कि बाहर से आने जाने लोग या अमरावती में चलने वाले, प्रॉपर अमरावती का जो रोड पैटर्न है, जिसको ट्रैफिक व्यवस्था बोलते हैं हमारी भाषा में, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है अमरावती में, जो कंजेशन हो रहा है पार्किंग की वजह से हो रहा है। तो आपको क्या लगता है पार्किंग की व्यवस्था दी नहीं गई या है तो उपयोग नहीं होती या लोगों को पता नहीं है या लोग उसको अवेयर नहीं है? जगह ही नहीं है वैसे देखा जाए, और जितनी जगह हो कम पड़ती है। जैसे 11 से 2 के बीच में जो शाम के अपनी जो रश रहता है जी जी, उसके हिसाब से वहाँ जगह ही नहीं पार्किंग की, तो वहाँ फिर एक के पीछे गाड़ी लगाते, फिर गाड़ी उठा के ले जाते, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं हो जाता उसको कि गाड़ी उठा के फाइन करो, तो वहाँ प्रॉब्लम जगह हो रही है। इसके लिए क्या करें, जगह तो साहब कोई ऐसी चीज तो है ना कि भाई यहाँ पे आज 4 फुट है इसको अपने 40 फुट कर लिए वो तो, और ये एक जमीन नाम की चीज ऐसी, इसका प्रोडक्शन नहीं होता, ये जो उपलब्ध साधन है उससे सब। तो आपकी क्या पार्किंग व्यवस्था, जैसे आप क्या 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 सजेस्ट करोगे? मार्केट सैंक्शन में उनका पार्किंग जो उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है जी, वो भी अगर कार्पिंग खाली करवा लेती है जी जी जी, तो काफी जगह मिल सकती है जी 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 जी, और वो पब्लिक की जगह है एक्चुअली, वो कुछ ओनर की जगह नहीं थी, पार्किंग मतलब कार्पोरेशन की जगह रहती है, तो कोई भी जाके वहाँ पार्क करना जरूरी नहीं कि मेरे वो मार्केट में काम है। तो ये सारी चीजें तो कॉर्पोरेशन में जो साहब लोग बैठे उनको भी समझते होंगे साहब की जगह पार्किंग की है, पार्किंग नहीं हो रहा, तो प्रयास कब शुरू होगा? कौन है पब्लिक ने जाना चाहिए वहाँ पे, कॉर्पोरेशन ने खुद ने अधिकार देखना चाहिए, आपने देखना चाहिए, मैंने देखा। उसकी शुरुआत तो हो चुकी है जी, काफी अभी चर्चे भी चल रहे हैं, मैं पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन काफी जगह पार्किंग खाली करवा रहे कॉर्पोरेशन और वो हो भी रहा है, तो लेकिन इसको इट विल टेक टाइम, देखो ऐसा नहीं क्या चाबी घुमाया और सब स्मार्ट नहीं, कुछ नहीं साहब, सबका लंबा प्रयास है, लंबे बस है कि शुरुआत हमारा एक है, जैसे एक आपकी नजर है और आपका एक प्लानिंग बहुत रहता है, तो उसमें से कि कौन सा काम पहले, कौन सा दूसरे, किसी तीसरे नंबर पे किसको, चौथे नंबर पे किसको, यदि सारे काम एक साथ में करने बैठे कि भाई मुझे मकान बनाना है, मैं ऊपर से बेडरूम ऊपर से तीसरा माला बनाते हूँ, तो वैसा नहीं होगा भाई मैं पहले उसके प्लान को, तो मेरे को नीचे से बनाते हुए जाना चाहिए, बेसिक से बनाया जाना पड़ेगा। तो बेसिक की शुरुआत जैसे जैसे सबसे पहली प्रायोरिटी अभी अमरावती के अपने लिए ट्रैफिक की समस्या के लिए इसमें 2 लोग जिम्मेदार होते हैं, एक तो कॉर्पोरेशन, दूसरा पुलिस प्रशासन, और तीसरी जिम्मेदारी आती है पब्लिक की, जिसके कारण पूरा का पूरा ये मामला बिगड़ता है। यदि जगह प्रॉपर बराबर रख ले तो शायद पार्किंग की समस्या नहीं, लेकिन प्रॉपर जगह रख ले तो उसके लिए जगह नहीं है, जगह जहां है वहां अतिक्रमण है, पुलिस बोलती है ये कॉर्पोरेशन का काम है, कॉर्पोरेशन बोलती पुलिस का काम, आपसी तालमेल जब तक 2 लोगों का नहीं होगा कैसे पॉसिबल है? और ज्यादा अवेयरनेस भी है थोड़ा सा,
अभी ट्रैफिक में कोई खड़ा है जिसको राइट जाना है तो वो लेफ्ट के एंड में एक सामने जाके खड़ा हो जाता, तो वो भी गलत है, उसने पीछे ही रहना चाहिए। लेकिन उसको गाइती रहती कि सामने जाके खड़ा होता, फिर जब लाइट चालू हो जाता तो पूरा रास्ता। यहाँ कभी इस चीजों की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, सिर्फ पुलिस बोलती कि सब पढ़े लिखे लोग है। अरे पढ़े लिखे लोग और एक व्यक्तिगत और प्रैक्टिकल तौर पे जो आदत बनी हुई है, आदत साहब एकदम से नहीं बदलती, आदत आपको बदलवानी पड़ेगी सबकी। इंडिविजुअल नहीं, आदत भी आपको बदलानी पड़ेगी। कि जैसे मैं बता रहा, आप राजापेट का उदाहरण ले लीजिए, राजापेट बहुत बड़ा चौक है, उससे बड़ा चौक शायद कहीं अमरावती में मैंने भी नहीं देखा, जितनी बड़ी वहां पे जगह है। लेकिन फिर भी आपको यदि आप बढ़िया रोड से आते तो लेफ्ट टर्न में लेफ्ट में फ्री है तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि वहां सब 15 फुट तक ऑटो खड़े हैं वहां पे, वहां पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लेकिन उनको ऑटो नहीं दिखते, हटाते तो राइट साइड जाए, तो जो आदमी पीछे से आता सामने आके खड़ा हो जाता। तो कहीं ना कहीं शुरुआत प्रशासन को पढ़नी, आप प्रशासन सोचता है कि पब्लिक ने शुरुआत करनी चाहिए और हम सोचते हैं कि प्रशासन ने शुरुआत करनी चाहिए। प्रशासन यदि अपनी व्यवस्था करेंगे तो थोड़ा सा पब्लिक का अवेयरनेस बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, यहाँ पार्क नहीं। प्रशासन का उपयोग भी है उसकी, भाई गलती के चालान भरने के बजाय उसको सही रास्ता दिखाए तो आप इधर से जाएंगे। चालान करना ये भी सोल्यूशन नहीं हो जाता, फाइन करना ही सोल्यूशन नहीं है। नहीं, पुलिस के पास सोल्यूशन भी होना चाहिए। उनका मानना है कि भाई फाइन करेंगे तो अगली बार गलती नहीं करेगा। पर मैं कितने लोगों को फाइन करेंगे, 100 लोगों को ना, हमें लाखों गाड़ी है, हर आदमी फाइन के फंदे में कभी पड़ता ही नहीं, मैं कभी फंसा नहीं फाइन केस में, मैं तो गलती करते चल जाऊंगा। तो हर आदमी को जब तक फाइन नहीं होगा तो वो सुधरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्था करनी चाहिए। आपको क्या लगता है प्रशासन व्यवस्था में कहाँ चुक रहा है इसमें? प्रशासन मतलब ऐसे लोगों ने कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, कुछ जो है पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए कि नहीं ऐसा ऐसा करो ऐसा, तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत होगी। इसमें सामाजिक संस्था को तो जोड़ सकते हैं, पब्लिक का साथ ही नहीं लेते कभी प्रशासन वर्ग, कभी पब्लिक का साथ नहीं लेता कि भाई चलो एक सामाजिक संस्था, एक दिन आप यहाँ पे खड़े रह के आप ट्रेनिंग दीजिए कि भाई कैसे चलना करिए। बहुत सही बात है, ये नहीं लेते ना प्रशासन वाले, बोलते उनको चालान फाड़ने से फुर्सत नहीं है। महानगर पालिका को उससे चालान के पैसे आते हैं, उनको भी पैसे आते हैं। महानगर पालिका के साहब स्मार्ट सिटी के जा रहा गुड़ेवर साहब को बोला, आए थे जब भी बोला था कि आप कम से कम पार्किंग की लाइन डालो और वहां पे जेबरा क्रॉसिंग पर डालो कि आदमी को कहां तक जाके रुकना है। ये तो बहुत सिंपल सा सिंपल चीज है ना, इसके लिए कुछ नहीं लगता, किसी का परमिशन नहीं लेना, कोई सेंक्शन नहीं लेना, फिर भी काम नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं हमको चूंकि स्मार्ट सिटी मिल गया, स्मार्ट सिटी मिल गया ठीक है, प्रयास सबके है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, लेकिन बहुत पहले से हम लोग प्रयास करते हैं। पानी की व्यवस्था पहले से, इलेक्ट्रिकली हम लोग पहले से लड़े हुए, रोड यहाँ के काफी चौड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि रोड किसी भी प्रकार की ट्रैफिक में समस्या है। फ्लाईओवर बनने से तो काफी अच्छा हो गया। ऐसे भी रोड आप यानी ट्रैफिक का यदि नजर देखे तो हमारी राजापेट से जयस्तम, जयस्तम से इधर जवाहर गेट और इधर इतनी भाग में ट्रैफिक की अव्यवस्था थी, बाकी तो सब अपने अपने ट्रैफिक सब जगह चलते रहते। यहाँ के रोड 100-100 फुट के, अंबाजी का रोड 100 फुट से ऊपर चौड़ा है, लेकिन 20 फुट से ज्यादा हम उपयोग नहीं कर सकते। अब इसमें पब्लिक क्या सपोर्ट करना चाहिए? पब्लिक इसमें तो इसमें कैसा ऑटो वाले का भी एक प्रॉब्लम है, वो जो कहा उसको खड़ा रहने को जगह ही नहीं है ना कहीं पे, वो क्या करेगा वो? नहीं ऑटो स्टैंड बनाए भी दिया, पब्लिक वहां जाना चाहिए अगर बेचारे को। हाँ पब्लिक ही नहीं है, पब्लिक का साहब ऐसा ऑटो, मुझे लगता है दो चीजें ऑटो चलने की, एक तो पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, पॉइंट से पॉइंट चलेगा। अब कई जब जैसे दवाखाना जाना है, दवाखाने में किसी को जाना तो दवाखाने के सामने ऑटो रुकेगा ना सब, ऑटो पॉइंट पे थोड़ी रुकेगा, उसके लिए क्या करेंगे? वहां छोड़ के तो उसको वहां ही आना है। हाँ वापस आना है ना, तो लेने भी वापस आना है वो चीजें, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन तो चलते ही रहेगा ना पूरा रोड का। हाँ रोड हॉस्पिटल जाते तो हॉस्पिटल का खुद का पार्किंग भी होना चाहिए। अपने यहाँ जो हॉस्पिटल भी देख रहे पूरी बिल्डिंग है उसका खुद का पार्किंग ही नहीं है। ये हॉस्पिटल के साथ सेम बहुत बहुत यानी हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी, दिन भर जहाँ गाड़ी आती कई बार गाड़ी खड़े रहने को वहाँ जगह नहीं, पेशेंट गाड़ी रखने की जगह नहीं तो पेशेंट के कार, तो वो तो पार्किंग तो होना ही चाहिए। तो पार्किंग के लिए आप अभी क्या सजेस्ट कर, जो एक तो आपने बताया कि जिसके मार्केट में जिन्होंने ऑलरेडी पार्किंग छोड़ी उसकी पार्किंग की व्यवस्था, इसकी लिस्ट बनानी चाहिए, इसमें पब्लिक से भी सपोर्ट लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पार्किंग है। मतलब जैसे अभी विचार बुला रहे तो मेरे ख्याल से ये बुलाना चाहिए भाई कहाँ कहाँ पार्किंग की अव्यवस्था है, कहाँ कहाँ पार्किंग की आप बताइए इन्होंने जाके। लेकिन होता कैसा कि यदि पब्लिक बता भी दे कि जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे पार्किंग नहीं है, हम बता भी दे, उन्होंने खाली भी करवाना चाहिए। स्कूल मिला के मुझे लगता है सर इच्छा शक्ति सबसे पहले प्रशासन को लेनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? प्रशासन कैसा है, 100 व्यक्ति को 100 ही व्यक्ति को डिसीजन लेना है, 100 ही व्यक्ति को काम करना, इंडिविजुअल 10 लाख लोगों को आपको समझाना है। नहीं लेकिन जब राज्य तो पब्लिक ने भी उसको समझ लेना चाहिए। नहीं पब्लिक, मैं चलो आपकी बात मैं पब्लिक, कितने लोग गलतियां करते दिन भर में चलते समय? आपको 1 लाख लोग यदि चलते होंगे मुश्किल से सब 100 लोग गलती करते होंगे, उसके लिए 99,000 लोग तो बराबर चल ही रहे ना बराबर। उस 99,000 लोगों को क्या जो प्रशासन की अव्यवस्था के कारण तकलीफ भुगत रहे, तो होना किसको चाहिए यार? सबसे पहले प्रशासन को, पब्लिक तो अवेयर है सब,
पब्लिक सब जगह, पब्लिक अभी भी कचरे में डालते, अब आप 5% लोग तो सब, जैसे पुलिस वाले बोलते सारे पुलिस वाले खराब नहीं है, ये सारी पब्लिक खराब नहीं है, पब्लिक अवेयर है सब, सभी आप देखो रोड पे, नहीं तो आपको पूरे रोड पे कचरे कचरा दिखता, गाड़ियों में पूरा धुआं ही धुआं दिखता, सभी जगह पब्लिक में अवेयरनेस है। प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है ना, प्रशासन को आप क्या सजा दोगे कि क्या करना चाहिए ट्रैफिक के लिए? सबसे अपन एक ही मुद्दा लेते हैं अभी ट्रैफिक का, क्योंकि ट्रैफिक यदि सुधरा तो शायद अमरावती शहर स्मार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पैदल चलने को जगह नहीं, तब गाड़ी की बात कैसे करेंगे? आपने 10 मिनट पहले बात किया था कि स्मार्ट सिटी, एवरी इंडिविजुअल ने हर 3 साल में भारत से तो कम से कम कलर के घर मारना ही चाहिए, जो आपने 2 मिनट पहले बोला था। जी 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 बराबर, स्मार्ट इसलिए शहर, शहर का पूरा का पूरा लुक, शहर लुक भी चाहिए, लुक भी चाहिए, तो लोगों ने कलर, ऐसे कलर कितने साल में मकान का खराब हो जाता साधारण था? वैसे 4 साल तो चलता है, 4 साल बाहर का कलर चलता है, अंदर चलता है। कलर करने से और कुछ फायदे होते वास्तु में? वास्तु की लाइट लीकेज, लाइट तो बढ़ती है, लीकेज कम हो जाते, ये पोरस जो पानी जो सीपेज वगैरह वो बंद हो जाता है कलर से, कलर से, और बिल्डिंग भी सिटी भी अच्छी दिखती है, सिटी अच्छी दिखती है। तो एक बहुत अच्छा सजेशन साहब ने दिया है, इस बार जो भी है आपने अपने चर्चा में निकला था कि यदि घर का वास्तु है, यदि आप घर का वास्तु भी सुंदर रखते हैं, तो निश्चित यदि पब्लिक खुद से भी शुरुआत कर दे कि मुझे मेरा घर ही ठीक करना है, बाकी आप छोड़ दीजिए, घर भी यदि आपने ठीक कर लिया तो शायद स्मार्ट सिटी के हम 20% के करीब तो पहुंच जाएंगे। पब्लिक यदि चाहती है कि मेरा शहर स्मार्ट होना चाहिए, मेरा एरिया स्मार्ट होना चाहिए, मेरा मोहल्ला स्मार्ट होना चाहिए, मेरा घर स्मार्ट, तो सब शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल से करनी पड़ेगी। स्मार्ट के लिए सरकार योजना आपके सामने ला सकती है, प्रशासनिक व्यक्ति काम कर सकता है उस योजना पे, लेकिन उसका उपभोग आपको करना है, उसका उपयोग आपको करना है। स्मार्ट बन भी गए तो उसका उपयोग किस प्रकार होगा, यदि बनने के बाद में एक अच्छी गाड़ी ले लेते आप, उसका यदि अवेयरनेस नहीं करेंगे तो वापस हमको जहां थे वहां आने में समय नहीं लगेगा। आपका क्या मानना है कि स्मार्ट के बाद में मेंटेनेंस भी लगेगा उसका? पब्लिक की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, टैक्सेशन तो ठीक है सब, कोई चीज यूज करते तो जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक 10% यूनिट लगता है, पहले 10% में भी इलेक्ट्रिक मिलती थी, आज 10 रुपए यूनिट लगता, जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते, लेकिन उसका और भी मेंटेनेंस सरकार ने प्रयास किया, जनता ने भी प्रयास करना चाहिए, और जनता के साथ में जो सरकारी यंत्रणा जुड़ी हुई है, सरकारी यंत्रणा लोगों की अपेक्षा क्या होती है सर? सरकार बोलती जनता ने समझ नहीं, जनता बोलती सरकार ने समझ नहीं, ये दोनों के समझने के चक्कर कहीं तो भी होता है। कुल मिलाकर स्मार्ट सिटी का नंबर हमारा लगा, अब जनता के ऊपर है और साहब जैसे चिंतन करता लोगों पे कि अमरावती शहर कैसे बने। आज इस चैनल के माध्यम से, कुछ व्यक्तिगत माध्यम से भी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करेंगे, लोगों को आप अलर्ट करो कि कम से कम खुद का घर अच्छा रहे, खुद की वास्तु अच्छी रहे। अभी कल वेबसाइट भी इनकी डेवलप होने वाली है, एवरी इंडिविजुअल इसमें पार्ट लिया कि आपको क्या चाहिए, उसमें लिखे क्लिक भी कर दिया तो वो इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन पर, वेबसाइट सब वो क्या होता, फिर वो वेबसाइट पे यदि सब लोग दे तो फिर स्मार्ट, आपको स्मार्ट सिटी बनाने की क्या जरूरत है? ये प्रयास थोड़े से कहीं तो भी सरकार के, सरकार के सजेशन भी है, एक सब जगह बॉक्स लगाओ उसमें डालो, पेपर के माध्यम से करो, हर नहीं नहीं हर नगर सेवक को बोलो कि तुम्हारे इस लगे, जिस नगर सेवक के वार्ड से ज्यादा सजेशन आते हैं उसको थोड़ा सा कुछ आप ये करो, एक कंपटीशन रखो, तो कहीं ना कहीं से लोगों का इसमें जोड़ना। अभी स्मार्ट सिटी आ रही है बस लोग मालूम नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। हाँ, नगर सेवक का इसमें प्राइम इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि वो जो एरिया में रहता है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो भी समझ के अगर वो कुछ प्रेजेंट करता है ऐसा कलेक्ट एक इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाएगी और उसको फिर अलग अलग सॉर्ट आउट करके फिर एक मास्टर प्लान बनेगा। इसको तो बहुत समय लग जाएगा साहब, लोगों के विचार करते करते ये खुद का मास्टर प्लान नगर से उत्तरी में। मेरा तो ऐसा और साहब सजेशन था, आप जैसे सलाहकार मंडल में भी महानगर पालिका में, कि एक आप मास्टर प्लान बना के रख दो, ऐसा ऐसा करना है, इसमें से और किसको ज्यादा अच्छा चाहिए या कम हो सकता है इसमें सलाह मांगो। अब क्या होना चाहिए, हर आदमी बोलेगा साहब ट्रैफिक सुधारो, पहले तो मास्टर प्लान ही बनेगा, हर आदमी बोलेगा ट्रैफिक सुधारो, अब लोगों की आप दुकानें तो नहीं तोड़ेंगे ट्रैफिक में, अल्टरनेट क्या है? बेसिक कैसा है कि पहले मास्टर प्लान ही बनने वाला है, जी जी, उसके ऊपर सजेशन पब्लिक के मांगने वाले, तो पब्लिक वाले नगर सेवक ने उतना एरिया का दे दिया, हर एक जैसा 15 जितने में नगर सेवक उन्होंने अपना कलेक्टिव एक इंप्रेशन दिया, तो उसमें उतना मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं मास्टर प्लान का। आज कोले साहब ने एक जनता को अवेयरनेस के लिए एक संदेश दिया, कुछ सजेशंस भी यदि आपके पास हो आप महानगर पालिका में दे सकते हैं, तरीका वेबसाइट से हो सकता है, व्हाट्सएप से हो सकता है, फोन से हो सकता है, हमारे माध्यम से हो सकता है, कोई पत्र के माध्यम से हो सकता है, जो भी माध्यम आप उपयोग करना चाहते हो हर माध्यम आपके लिए खुला है, सलाह देने के लिए, सलाह देने के साथ में उसका तरीका भी बताना चाहिए कि सिर्फ एक ट्रैफिक हटा दो लेकिन
कैसे हटाया जाए, कहाँ रखा जाए, इसकी भी सलाह देना जरूरी है। हमको लगता है हमारी गाड़ी खड़ी नहीं होती, लेकिन आपकी गाड़ी खड़ी क्यों नहीं होती और कैसे हो सकती है, इसकी भी सलाह आप जरूर दीजिए। यदि आपकी सलाह आई तो निश्चित आपका नाम हमारे चैनल के माध्यम से, कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रकाशित करेंगे। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। भविष्य में ये अमरावती के लिए जो भी अच्छा हो सकता है आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू।